हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम इस कपड़े से ऐसा टॉप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा बड़े अर्ज का लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है, लेकिन फैब्रिक कितना ज़्यादा सुंदर है। फैब्रिक का प्रिंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे पास बड़े अर्ज का कपड़ा है, ये 2 मीटर कपड़ा है। ये कपड़ा तो ज़्यादा है, तो इसमें मेरी एक कुर्ती भी आराम से बन जाएगी। मैं कुर्ती भी आपको इसकी बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। मैं आपको कपड़े का कितना अर्ज है वो दिखा दे रही हूँ, कितना अर्ज है तो आपके सामने मैं नाप रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे। मुझे लगता है ना इसका जो अर्ज है पूरा 60 इंच के पन्ने पर है। यहाँ से देखिए, हमने यहाँ तक रखा था मेजरिंग टेप, तो मैं इसको रख रही हूँ। नहीं, इसका 57 इंच आ रहा है, ये लगभग 57 इंच आ रहा है। देखिए यहाँ से तो 57 इंच का पन्ना है। इसका अर्ज बहुत बड़ा है। इसमें हम बनाएंगे तो एक साइड से पहले कटिंग करेंगे। इसको मैं एक साइड से खोल ले रही हूँ। कपड़े को एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इसमें फ्रंट का पार्ट निकालेंगे, तो एक साइड से कपड़े को फोल्ड कर ले रहे हैं। फैब्रिक का प्रिंट दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम किसी भी तरफ से कटिंग कर लेंगे। तो कपड़ा मैंने देखिए बराबर से फोल्ड कर लिया है सेंटर से। अब यहाँ से लंबाई नापेंगे, तो मैं इसमें सीम अलाउंस के साथ इसकी लेंथ रख रही हूँ 25.5 इंच। तो यहाँ से 25.5 पे निशान लगा देंगे। 24 इंच लेंथ ली है और 1.5 इंच सीम अलाउंस का लिया है, तो 25.5 ले रहे हैं। इसको पहले तो सीधा कर देंगे। अब आप फुल शोल्डर लें तो इस साइज़ में, ये जो मैं टॉप बना रही हूँ वो 36 चेस्ट साइज़ का है, तो इसमें ये मीडियम में ही आता है। मीडियम में शोल्डर होता है 14, जिसका आधा हुआ 7 इंच। तो यहाँ से आर्म होल की लेंथ शोल्डर का हाफ लेंगे, जो कि 7 इंच आ रहा है। और आपका लार्ज एक्सल डबल एक्सल में क्या साइज़ रहेगा वो मैं आपको कटिंग के बिल्कुल लास्ट में एक चार्ट बना के दे दूँगी, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको सीधा कर देंगे। हमारा आधा शोल्डर था 7 इंच, तो यहाँ से लगभग 2 पॉइंट सीम अलाउंस का मार्जिन रखेंगे, तो मैं यहाँ से 7.25 पे लगा लूँगी। ये निशान नीचे तक बराबर करना है। मेरा इसमें लूजिंग के साथ तैयार नाप है चेस्ट का 36, क्योंकि वैसे तो चेस्ट है इसमें 35, लेकिन मैं थोड़ी सी लूजिंग रख रही हूँ क्योंकि ये हमारा फॉर्मल टॉप है, तो मैं 36 ले रही हूँ। 36 का चौथाई भाग हुआ 9 इंच, तो यहाँ से मैं 9 इंच ले रही हूँ और 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। अब यहाँ से इसमें आर्म होल का शेप करेंगे, यहाँ से नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और डेप्थ भी यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। अब इसमें राउंड शेप करेंगे, यहाँ से शोल्डर 1 इंच डाउन कर देंगे। इस निशान को यहाँ से इस तरह मिला देना है, नीचे के लिए हल्की सी इस तरह गुलाई कर देंगे। और ये हमारी फिटिंग है, तो यहाँ से हम इस तरह हल्का सा कमर पे शेप करेंगे, सिर्फ कमर पे ही करना है, हल्का सा ऐसे ढाल देंगे। अब इसको बिल्कुल सेम निशान पर कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कट लगाने हैं और ये फ्रंट का आर्म होल है, तो इसमें हम हल्का सा इस तरह ढाल देते हुए निशान लगाएंगे। कटिंग बाद में करेंगे, बस इसमें लगभग 1/2 इंच का इस तरह ढाल देंगे। और अब आपको ये वाला जो मार्जिन है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड कर लेंगे
और अभी इसको हम हटा देंगे। इसमें आप चाहें तो अस्तर लगाएं, नहीं तो इसी का फैब्रिक लगाएं। मैं इसी का लगाऊंगी क्योंकि वो हमारा डबल तरीके से काम करेगा। पहले हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे, तो यहीं से इसके आगे से ही मैं कपड़े को फोल्ड कर ले रही हूँ बैक पीस के लिए। मैं एक सा कपड़ा निकाल लूँगी क्योंकि वरना कपड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा, तो मैं नीचे से कट कर ले रही हूँ। अब यहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और हम अपना कपड़ा यहाँ से रखेंगे। ये फ्रंट का जो पीस है उसको थोड़ा नीचे से बढ़ा के रखेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊँगी क्यों रखा है। पहले सेंटर से सेट कर लेते हैं। मैं स्केल रख दे रही हूँ ताकि कपड़ा हमारा उड़े नहीं। सेंटर से देखिए बिल्कुल बराबर मिला के रखा है मैंने, और साइड से भी बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच कपड़ा उठा लेंगे। मैंने 1 इंच शोल्डर डाउन किया था तो 2 पॉइंट बढ़ा लिया है इसमें। 1.25 इंच उठा के कट करेंगे, इधर से भी 1.25 इंच और इस तरफ से भी 1.25 इंच। अब इसको लेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे, यहाँ से ऊपर मिला लेंगे, यहाँ से शोल्डर भी हम अपना मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से नेक डेप्थ लेंगे बैक की 1 इंच और इसमें गुलाई करेंगे। बाकी नीचे से बिल्कुल बराबर कटिंग होगी नीचे और साइड से। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने जो फैब्रिक का फोल्डेड साइड था उस तरफ से देखिए इसका सेंटर पार्ट रखा है इधर से। बैक पीस भी हमारा कट हो गया है। अब इसको हटा देंगे, ये बैक वाले पीस को हटा लेंगे और फ्रंट का जो शोल्डर आर्म होल का जो हमने निशान लगाया है ये, इसको यहाँ से छाट देंगे। इसी के बराबर एक पीस और कट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आप लाइनिंग जो कट करनी हो वो भी कट कर लें, या आपको इसी का पीस लगाना हो वो लगा लें। तो ये तो दोनों बिल्कुल बराबर ही कट होंगे जो हमारी लाइनिंग होगी। उससे पहले हम इसमें स्लीव्स निकाल लेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए ये मेरे पास कपड़ा इधर से एक साइड से ही कपड़ा मेरा यूज़ हो जाएगा और जो इसका आधा हिस्सा है वो पूरा बच जाएगा। मैं इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर ले रही हूँ जिससे दोनों स्लीव्स आराम से निकल आएंगी। अब इसको एक बार इधर सेंटर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ऊपर से कपड़े को बराबर कर दे रहे हैं। यहाँ से मैं स्लीव की लेंथ रखूँगी टोटल 11 इंच, जिसमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर रहे हैं तो 12.5 पे ले रहे हैं निशान, और एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे। इन निशानों को सीधा करना है। यहाँ से 8 इंच पे लगा देंगे निशान। आर्म होल की वेट हमने 7 इंच ली थी, लेंथ 1 इंच बढ़ा के लगा रहे हैं 8 इंच पे निशान। अब इसमें आर्म होल का इस तरह शेप करेंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल का भी कर देंगे। एक चीज़ गलत हो गई, ये यहाँ पे मैंने देखिए 2 इंच कपड़ा फालतू लिया है। ये सेंटर से 2 इंच आपको कपड़ा फालतू रखना है, इसमें हमारी गैदर बनेंगी यहाँ से। अब यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ 7 इंच रखी थी, 1 इंच बढ़ा के लेंगे तो 8 इंच देखिए मैंने विड्थ रखी यहाँ से। अब हम यहाँ से अपना आर्म होल का शेप करेंगे ये, और यहाँ से फ्रंट आर्म होल का करेंगे और इसमें हल्का सा स्लीव का ढाल देंगे इस तरह से। इस निशान को सीधा कर देंगे ऐसे। अब सेम मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। अब इसको सेंटर से खोल देंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव भी कट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने, ये देखिए
ये हमने फ्रंट के पीस दो जो कट किए थे बिल्कुल इन्हीं के बराबर मैंने दो पीस और ले लिए हैं। मैं इसमें लाइनिंग की जगह फ्रंट के पीस लगा रही हूँ क्योंकि साइड में तो हमारा फ्रंट का पीस हमें अटैच करना ही पड़ेगा, लगभग इतना इतना तो अटैच होता ही होता तो वो हमारा तीन बार फैब्रिक हो जाता, काफ़ी मोटा जाता। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मतलब मेन फैब्रिक जो है वही लगा देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से पहले हम दो पीस लेंगे, ये दोनों पीस एक बराबर से हैं चारों पीस, तो हम इनमें से सिर्फ दो पीस लेंगे, दो अभी हटा देंगे। एक पीस सीधा रखना है आपको और दूसरा पीस इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये निशान लगा हुआ है हमारा, तो यहाँ से हम इसमें इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेके और फिर इस तरफ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर हम कट लगा देंगे और देखिए यहाँ से इसको ऐसे रख रहे हैं, यहाँ पे भी हल्का सा लगा देंगे लेकिन सिलाई से बचाते हुए ही आपको कट लगाना है। अब इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। और जब इसको सीधा करेंगे तो देखिए यहाँ से ये कपड़ा अपने आप ऐसे बाहर के लिए निकल आएगा। अब इसको यहाँ से ऐसे पलट लेंगे, ऊपर से प्रेस लगाते जाएं आप या फिर इस तरह से बराबर करते जाएं। ये हमारा एक तरफ का हिस्सा देखिए ऐसे रेडी हो गया है ऐसे। अब चाहे तो आप यहाँ से सिलाई लगा के इसको रोक दें, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तो आप डायरेक्ट भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सिलाई लगा लें। और ये देखिए जो मार्जिन निकला है ना, यहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे जिससे बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं नेक। मैं इसका ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसे ही आसानी रहेगी, सेम इसका दूसरा पीस ऐसे ही रेडी करें। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके दोनों पैटर्न रेडी कर लिए हैं, इस तरह से ये दोनों पैटर्न हमारे रेडी हैं। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और मैंने बैक पीस में देखिए लाइनिंग ली है, बैक पीस में मैं लाइनिंग लगा रही हूँ, तो इसके बराबर मैंने लाइनिंग कट कर ली है बैक पैटर्न के बराबर। तो इसको ऐसे रखा पहले, अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक रख रहे हैं और फिर यहाँ से इसके ऊपर लाइनिंग रख रहे हैं इस तरह से। अब इसके शोल्डर अटैच करेंगे। अब ये देखिए शोल्डर अटैच कर लिया है। अब ना इसको यहाँ से इस तरह डबल कर लेंगे और इसका कॉलर नाप लेंगे कितना आ रहा है। तो इस तरह से कॉलर की गोलाई हमें नापनी है। ये कॉलर हमारा आ रहा है लगभग 7.5 इंच का। सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब हमें एक पीस लेना है फैब्रिक का, एक सीधा पीस लिया है फैब्रिक का, इसको ना सेंटर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यहाँ से देखिए इसकी लेंथ मैंने 6 इंच ली है टोटल। पहले तो इसको ना एक साइड से सीधा कर लेंगे। हमने कॉलर की हाफ लेंथ नापी थी 7.5 इंच, तो यहाँ से मैं 7.5 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच सीम अलाउंस का लेंगे तो 7.5 पे ले रहे हैं। इससे सीधा करना है।
अब इसको ना सेंटर से इस तरह फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे ना ऐसे तिरछा कट लगाएंगे, ऐसे आधे इंच का गैप लेके कट लगाना है। सॉरी, ये हमें इस तरफ लगाना है, इधर के लिए। ये जिस तरफ से फोल्डेड साइड है उधर के लिए लगाना है। ये मैंने खुले की तरफ लगा दिया था, तो ऐसे नहीं करना, आपको इस तरफ लगाना है क्योंकि ये हमारा नीचे के लिए रहेगा। अब इसको यहाँ पे कट कर देंगे इस तरह से। अब इसमें ना हल्की सी यहाँ से इस तरह गोलाई करेंगे। अब सेंटर पे एक कट लगाएंगे। अब इसको अटैच करेंगे। अब एक साइड से कॉलर को हम अटैच करेंगे, तो पहले मैं देखिए यहाँ पे इस कॉलर को ले रही हूँ और इसको ना हम इधर से लेंगे। ये इसका सीधा साइड है, देखिए इस तरफ से लिया है और यहाँ से कॉलर की पट्टी को आधा इंच बाहर के लिए निकाल के रखना है। अब इसके लेवल से सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऐसे मिलाते हुए सिल देंगे। ये जो कट लगा है ना, इसको यहाँ पे देखिए इस तरह बराबर मिलाएंगे, हल्का सा खींच लेंगे और बराबर मिलाएंगे। तो मेरा बराबर मिल गया, अब सिल देंगे। ये देखिए इधर से भी यहाँ तक बराबर आ रहा है और आधा इंच कपड़ा बाहर निकल आया जो हमने सिलाई के लिए लिया था। अब इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ से कपड़ा आधा इंच फोल्ड करेंगे और इधर से देखिए पहले तो हम इसको ऐसे बराबर कर देंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे आधा इंच फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखना है। अब यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी सिल देंगे। अब इसको ना यहां से देखिए सीधा कर देंगे इस तरह से। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी सीधा कर लेंगे। अब ये सीधा हो गया है। अब यहाँ से देखिए कपड़ा आधा इंच फोल्ड करेंगे। पहले तो ये जो हमारा मार्जिन है इसको ऐसे बराबर से सेट कर लेंगे और ये जो मार्जिन है ना आधा इंच फोल्ड किया, इसको इसी वाली सिलाई के ऊपर रखना है फोल्ड करके इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर इसको कवर करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई अब हम इधर घुमाते हुए ऊपर लगा देंगे। साइड से बिल्कुल फिनिशिंग कर देंगे। अब देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, हम अपना इस तरह से रखेंगे कॉलर, दोनों पीस को ऐसे बराबर रखेंगे और मैं इसको फाइनल फोल्ड करना आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये हमारा जो बनने वाला काम है वो हो गया। ये देखिए ये बनने वाला काम हो चुका है, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा यहाँ से। बाकी मैं इसकी प्रॉपर फिनिशिंग कैसे करनी है वो बाद में आपको बताऊँगी, पहले इसकी स्लीव लगाएंगे। तो इन दोनों में से एक स्लीव को लेंगे। अब इसको नीचे से इतना फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैंने आधा इंच चौड़ी इलास्टिक ली है
और यहाँ से मैं 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। आप अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ही इलास्टिक की लेंथ लें, जितना आपका साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से देखिए 10 इंच पे लगा रही हूँ, अभी इसको कट नहीं करेंगे। अब पिन की हेल्प से पहले इसको इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसको कट करेंगे। और आप मेरे व्लॉग चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको मेरी डेली लाइफ देखने को मिलेगी, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जिस पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स देखने को और सीखने को मिलेंगे। तो दोनों ही आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और छोटे बच्चों की ड्रेसेस कटिंग स्टिचिंग सीखने के लिए आप मेरे मिनी क्लासी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चों की काफ़ी क्यूट क्यूट ड्रेसेस सीखने को मिलेंगी। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मेरे सारे लिंक चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको डाल दिया है। अब जो हमने निशान लगाया ना, इसको यहाँ तक ऐसे कर देंगे। अब पहले तो ना हम इसको सिलाई से इस तरह हल्की सी सिलाई लगा देंगे, जिससे ना ये रुक जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ढीला हो जाएगा वरना यहाँ से। तो अब पहले हम हल्की सी सिलाई लगा देंगे, जिससे ये रुक जाएगी। अब इस पटना इलास्टिक को कट कर देंगे यहाँ से। अब ये रेडी हो गया है यहाँ पर देखिए, और ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई लगानी है गैदर बनाने के लिए। अब इसमें से हम एक धागा खींचेंगे इस तरह से, और ये जितनी भी गैदर है ना वो सेंटर पे करेंगे। अब इस तरह से इसको नाप लेंगे, और ये गैदर आपको सेंटर पे दोनों तरफ बराबर कर देनी है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे करेंगे तो इस तरफ फ्रंट का कट जा रहा है। यहाँ से देखिए फ्रंट का कट है, तो ये हिस्सा हमारा फ्रंट की तरफ लगेगा। तो जैसे आप अपनी नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं ना, सेम इसको वैसे ही अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए टॉप लिया है, और इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये फ्रंट का हिस्सा है, ये भी हमारा फ्रंट का हिस्सा है, तो ये यहाँ पर ऐसे अटैच होगा। तो अटैच करने से पहले हम इसका आर्म होल नाप के देख लेंगे कि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमें उसी हिसाब से इसमें गैदर बनानी है। जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा लेंथ में जाएगा, यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा जो गुलाई है उसमें जाएगा, तो उसमें हमें गैदर बनानी। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोटा पड़ रहा है, तो मतलब मैंने ज़्यादा गैदर डाल दी है। तो मैं इसको बराबर पहले करूँगी, उसके बाद ही इसको अटैच करेंगे। अब ये इतना बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे, इधर से रखना इसको अटैच करेंगे। अब हम इसको साइड से अटैच कर देंगे, यहाँ से इसको अटैच करेंगे। ये आर्म होल की जॉइंट को इस तरह बराबर मिला लेंगे। देखिए मेरा बिल्कुल बराबर मिल रहा है, हमें फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने इसमें ना दूसरी तरफ स्लीव पहले ही अटैच कर ली थी, तो अब इसमें कोई काम नहीं बचा है। अब इसमें सिर्फ नीचे से कपड़ा फोल्ड करना है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है, आप नॉर्मली नीचे से कपड़ा फोल्ड कर दें। अब आपको टॉप के ऐसे बराबर से सेट करके रखना है। अब आप अपना टॉप पहन के देख लें, और टॉप पहनने के बाद ना इसको ऐसे करके देख लें कि आपको ये नेक जो है वो कहाँ तक खुला रखना है। जहाँ तक आप खुला रखें उस हिसाब से आपका ये फोल्ड होगा। मतलब मैं तो देखिए ज़्यादा डीप नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पहन के मतलब देखना पड़ा कि कहाँ तक मुझे डीप रखना है। अगर आप थोड़ा सा डीप पहन लेते हैं तो आप अंदाजे से ही इसको ऐसे यहाँ से नेक की डेप्थ लेते हुए और इस तरह से फोल्ड कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगा लें। लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो मैंने पहन के देख लिया। पहनने के बाद देखिए मैंने एक अंदाजे से यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, ये यहाँ पे एक हल्का सा निशान लगा दिया। मैं इस वाले को सिर्फ इतना फोल्ड करूँगी,
ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा। इस वाले को सिर्फ इतना फोल्ड करूँगी, तो इसको यहाँ से मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, फिर ये ऊपर वाला ऐसे रख दिया। और आप देख सकते हैं कैमरे में दिख रहा होगा, एक मैंने निशान ये लगा रखा है हल्का सा और एक ये लगा रखा है। अब मैं इसको इसी निशान पे ऐसे फोल्ड कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। तो देख सकते हैं अब मेरा ज़्यादा डीप नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए अंदाजे से निशान लगा लिया। पहनने के बाद मैंने इसको नाप लिया, उसके बाद ऐसे निशान लगा दिया। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर ले रहे हैं पहले तो, और इस तरह से इस पर मतलब अच्छे से गढ़ाते हुए निशान लगा देंगे, जिससे ना एक लाइन बन जाएगी हमारी। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हल्की सी मेरी लाइन बन गई है, तो मैं उस पर अंदाजे के लिए इस तरह से निशान लगा दे रही हूँ, जिससे हमें सिलाई लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। और हमें सिर्फ यहाँ तक लगानी है, और अगर आप डीप पहन लेते हैं तो आप अंदाजे से ही इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा दें। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो देखिए जो हमने ये निशान लगाया है ना, बिल्कुल इसी निशान पे सिलाई लगाएंगे। मैं इसको यहाँ पर ऐसे पिन से रोक दे रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल भी फिसले ना। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, अब हमने जो निशान लगाया है सेम इसी निशान पे सिलाई लगाएंगे। आपको इस पर बहुत अच्छे से प्रेस लगानी है, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए मैं दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर रख रही हूँ, तो ये बिल्कुल बराबर से सेट हो गया है। और ये जो हमने सिलाई लगाई है, बिल्कुल यहाँ से ही इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, और इस पर ना दबाते हुए प्रेस लगाएंगे इस तरह से, जिससे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसमें आपको बटन वगैरह अटैच करने की अब कोई भी झंझट नहीं है। और ये टॉप हमारा बनकर रेडी हो चुका है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप चाहें, अगर देखिए अगर आप नेक की डेप्थ रखेंगे ज़्यादा, तो ये वाला जो डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो रहा है ना, ये और नीचे तक जाएगा। लेकिन मुझे डीप नहीं रखना था, इस वजह से सिर्फ मेरा यहाँ तक आ रहा है। पर कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हमारी स्कर्ट पैंट जो भी हम पहनेंगे वो आ जाएगी, तो ये डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहनने के बाद इसका लुक इस तरह से आ रहा है। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।